और बेंगलुरु की बैठक की सफलता के बाद एनडीए की बैठक जल्दबाजी में हुई है और मजबूरन हुई है। अनुप्रिया पटेल, देखिए ऐसा है, एनडीए की बैठक नियमित रूप से हमेशा से होती आई है। हम सभी अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने अपने दलों से जुड़े हुए, राज्यों से जुड़े हुए विषयों को रखते आए हैं। रही बात भयभीत होने की, तो एनडीए को भयभीत होने का कोई कारण नहीं है जी। 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं को जिस तरीके से धरातल पे उतारा है, देश में ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जिस तरीके से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की एक छवि में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए एनडीए गठबंधन को भयभीत होने का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले कई चुनाव से जिन दलों को देश और प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, उनके लिए भयभीत होने का और डरने का विषय तो जरूर है जी। मेरा अगला सवाल है, अखिलेश यादव ने दावा किया है, जो सपा सुप्रीमो है, कि कर्नाटक की धरती से एक नया इतिहास रचा जाएगा। आप इसे चैलेंज मानती हैं अनुप्रिया जी? समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के पिछले 4 चुनाव में आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने कितना इतिहास रचा है और क्या कमाल किया है उनकी पार्टी ने। कई किस्म के प्रयोग किए, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया, उसके बाद छोटे छोटे दलों का भी एक अलायंस बनाया, लेकिन किसी भी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके गठबंधन को नहीं स्वीकारा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुप्रिया पटेल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज खास दिन पर जुड़ने के लिए। मैं सीधा रुख कर लेता हूं संजय निरुपम का। आपने चिराग पासवान को सुना, अनुप्रिया पटेल को सुना, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, और आपने सीताराम येचुरी की बात को भी सुना। वो कह रहे हैं कि ममता से लड़ाई जारी रहेगी, तो फिर काहे का गठबंधन संजय भाई? ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन हो भी सकता है, कुछ सीटों के ऊपर मतभेद भी हो सकता है। तो जब इतनी 26 पार्टियां, अलग अलग विचारधारा की पार्टियां जब मिलेंगी, तो एकदम इनिशियली इस तरह के कुछ रिएक्शन आएंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, राजनीति तमाम असंभावनाओं को संभावनाओं में बदलने का एक खेल होता है, एक कला होती है। तो इस कला के हिसाब से जो हमारे आपस के मतभेद और मतभेदों को हम दूर कर लेंगे, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जो हमारे मतभेद है उनको भी दूर किया जाएगा, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टियां या नेशनल पार्टियां एक यूनिट काम कर रही हैं, उनके बीच एक स्टेट वाइज मॉडल बना करके कैसे सीट शेयरिंग नेगोशिएशंस हों और कैसे हम सभी पार्टियों के लोग मिल करके बीजेपी के खिलाफ एक कॉमन कैंडिडेट उतारे, ऐसा हम अपना प्रयास करेंगे। इसमें कामयाबी मिलेगी, लगभग 400 से 450 सीटों के ऊपर हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिंगल कैंडिडेट हो, कॉमन कैंडिडेट हो। और जब 400 से 450 सीटों पे कैंडिडेट होगा, तो आप देख लीजिए नेशनल एवरेज क्या है। एक मिनट समझा देता हूं। नेशनल एवरेज है 35 से 40% के आसपास बीजेपी का वोट है। कुछ सीटों पर, लगभग 150 से 200 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट है बीजेपी के पास। तो उन सीटों पर भी हम जब एक साथ कॉमन तरीके से लड़ेंगे, एक कंसेंसस के साथ लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को रोकने में हमको कामयाबी मिलेगी।